हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ टूटी फ्रूटी, जो कि हम लोग वाटरमेलन जो कलिंगड़ होता है वो खाते हैं ना, उसके छिलके का। एकदम परफेक्ट बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है और जो है छिलका भी वेस्ट नहीं होता है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इतने वाटरमेलन के जो है मैंने छिलके रख दिए थे, ये दिख रहा होगा आपको। आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। पहले तो इसके पीछे वाला पार्ट जो है हम लोग निकाल लेंगे, इस तरीके से सारे जो है उसके पार्ट्स निकाल लेंगे। और सामने वाला भी जो है इस तरीके से हमें निकालना है। बीच वाला हमें पार्ट लेना है, जो है पूरा हटा दिया है। अब इसे कट करेंगे। कट करके इस तरीके के छोटे छोटे साइज़ में हमें कट कर लेना है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। तो बस इसी तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से सारे जो है हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके के हमें कट करने हैं। तो चलो सारे छील कर जो है और अच्छे तरीके से कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। पूरे जो है अच्छे तरीके से कट हो जाए, उसके बाद हमें जो है उसे अच्छे तरीके से जो है पहले वॉश करना है दो पानी से। तो चलो पहले तो मैं सारे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे मैंने कट कर लिए और इसे धो भी लिया है। और दूसरे साइड जो है मैंने पानी रखा है। ये पानी जो है मैंने 5 गिलास पानी रखा है, उसमें ये हमारे कलिंगड़ के जो टुकड़े हैं वाटरमेलन के वो डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से गल जाए तब तक हमें बॉईल करना है। गलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से बॉईल हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें क्या करना है, मीडियम गैस पर इसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, तो चलो अब हम इसे छन्नी में रखते हैं और दूसरी तैयारी करते हैं। तो देखिए, दूसरे साइड जो मैंने एक पतीला लिया है, उसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ इस ग्लास से, और उसी के साथ 1.5 कटोरी चीनी डाल रही हूँ मैं। चीनी जो है थोड़ी ज़्यादा लेना है आपको पानी से। तो देखिए, बड़े कटोरी से मैंने चीनी ली थी, अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब इसमें जो हमारे उबले हुए वाटरमेलन के जो टुकड़े हैं ना, वो डालेंगे। और इसे हमें क्या करना है, इसका पूरा पानी आधा हो जाए तब तक बॉईल कर लेना है। तो देखिए, बॉईल हो चुका है, 5 मिनट हुए हैं और फिर से बॉईल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पककर पूरा पानी आधा हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, अब गैस को बंद करते हैं हम लोग। और दूसरे साइड जो है मैंने 2 तरह के कटोरे लिए हैं। अब उसमें हम लोग 2 पार्ट में इसे निकाल लेंगे, दो, क्योंकि मैं 2 कलर के बना रही हूँ। आप 1 कलर का बनाना चाहते हो तो 1 में ही रख सकते हो। तो ये मैं पहले तो पीला यानी कि येलो कलर डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसे मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। और दूसरे में जो है रेड यानी लाल कलर डाल रही हूँ मैं। तो देखिए, अब इसके अंदर हम लोग कलर डाल करके हमें क्या करना है, पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देना है हमें इसे ठंडा करके। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी रात के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसे निकाल रही हूँ मैं फ्रिज में से, कितना ये थिक हो चुका है दिख रहा होगा आपको। तो चलो इसे हम लोग फ्रिज में से निकाल लेते हैं। तो देखिए, फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है। अब एक छन्नी में हमें इसकी पूरी चाशनी जो है अलग कर लेनी है, और पूरी चाशनी जब अच्छे तरीके से निकल जाएगी तब हम इसे धूप में सुखाएंगे पूरे दिन भर के लिए। फिर हमारा जो है ये टूटी फ्रूटी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, छन्नी में मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से दोनों को निकाल कर मैं जो है धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए जो है मैंने इसे रख दिया है, दिख रहा होगा आपको धूप में। अब इसे पूरे दिन भर के लिए हमें क्या करना है, रख देना है। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी बनी है टूटी फ्रूटी। तो बस इसी तरीके से हम दिन भर इसे धूप में रख देंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में धूप में फटाफट सूख जाती है। तो चलो पूरा दिन हो जाएगा, उसके बाद दिखाऊँगी। तो ये देखिए, पूरा दिन भर रखने के बाद ये कुछ इस तरीके की हो चुकी है। ये थोड़ा सा मैं भूल गई थी इसे निकालना। आप तो क्या करना, इसे जल्दी थोड़ा निकाल लेना तो ये थोड़ी और अच्छी। वैसे तो ये अच्छी है, दिख रही होगी आपको। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो है 100% इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप इस टूटी फ्रूटी को आप भी ट्राई कीजिएगा। वाटरमेलन जो है हर किसी के घर में होता है गर्मियों के मौसम में। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसी ही रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।